नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिये, 27 नवंबर 2023 की सुबह 5:31 पर बुधदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर देव गुरु बृहस्पति से प्रभावित राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 28 दिसंबर 2023 तक बुध धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बुध का यह परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता देगा और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलना है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है और बुध अपनी संगति के अनुसार शुभ और अशुभ परिणाम देता है। बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ मौजूद होते हैं, जैसे सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ यदि बुध मौजूद हो तो शुभ फल देते हैं। वहीं शनि, राहु, केतु के साथ सूर्य बुध अगर मौजूद हो तो अशुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुरता, मित्र और मामा, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रभाव होता है। कुंडली पर बुध के बलवान होने पर कई प्रकार की शुभता जीवन में प्राप्त होती है। बुध बली हो तो जीवन में समृद्धि, ज्ञान और प्रेरणा मनुष्य को प्राप्त होती है। बुध के बलवान होने पर जातक स्वभाव से चालाक, तर्कसंगत, बौद्धिक रूप से कुशल और वाणी के द्वारा कई भाषाओं का ज्ञान रखने में सक्षम होता है। बलि बुध के प्रभाव से विचारों में एकाग्रता और हर क्षेत्रों में उत्साह के साथ काम करने की प्रबल क्षमता प्राप्त होती है। वहीं जन्म कुंडली पर बुध देव अगर किसी क्रूर और पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। बुध के पीड़ित होने पर विचारों में एकाग्रता की कमी, दिमागी परेशानी, नसों में पीड़ा, बहरापन, चर्म रोग, शरीर से अत्यधिक पसीना आना, ये सभी समस्याएं जीवन में दर्श को प्राप्त होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। मेष राशि वाले जातकों, 27 नवंबर 2023 को बुधदेव आपके पराक्रम भाव और रोग भाव के स्वामी होकर आपके नौवें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के नौवें भाव पर पहले से ही सूर्यदेव प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो सूर्य बुध का मिलन होगा और बुधादित्य योग का निर्माण भी होने वाला है। कुंडली के नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्रा और विद्यार्थी जीवन के बारे में विचार करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन कई प्रकार की शुभता जीवन में आपको देने वाला है। सबसे पहले, यदि आपका जुड़ाव छात्र जीवन में है तो यह समय आपके जीवन में काफी उत्साह के साथ आपको सफलता देने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए जातकों को इस अवधि के दौरान विशेष उत्साह के साथ सफलता आपको जीवन में प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बुध के इस परिवर्तन से आपके परिवार में छोटे भाई बहनों का भरपूर समर्थन और सहयोग आपको देखने के लिए मिल सकता है। पिता तुल्य लोगों का आपको भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों का झुकाव अध्यात्म के प्रति काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्राओं के लिए आप जा सकते हैं या किसी धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ने की भी प्रबल संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रही है।
मेष राशि वाले जातकों, यदि आप वर्तमान समय में बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग के क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, कथावाचक, टीचर, लॉयर, जज, यानी वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आपका संबंध है, ये समय आपके जीवन में विशेष उत्साह के साथ आपको शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बुध नवम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव को देखने वाले हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक उत्साहित होकर काम करने में सफल रहेंगे और आपके मनोबल में वृद्धि रहेगी और आपकी संकल्प शक्ति में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को बुध को मजबूत करने के लिए, बुध जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए इस समय अंतराल में गणपति के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।